जो रिसर्च कर रहे हैं स्टार्टअप के तहत, उस पर चर्चा किया। भारत में जो तिरंगा यात्रा पूरे देश में चला उसके ऊपर चर्चा किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो फ्रेंडली जानवरों के साथ जो संबंध बनने चाहिए उस पर चर्चा किया। स्वाभाविक है, देश के प्रधानमंत्री जी लगातार कैसे भारत श्रेष्ठ हो, भारत के चीज़ें कैसे दुनिया का प्रोडक्ट बनकर निकले, इसकी चिंता लगातार मन की बात से कर रहे हैं। और लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। और सबको आशा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ होगा। न्यू पेंशन स्कीम आपको लेकर क्या कहिएगा सम्राट जी? ये स्वाभाविक है, ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देने का समय है। जब उन्होंने इस देश में यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की, मैं सभी कर्मचारी भाइयों को बधाई भी देता हूं। और नए स्कीम्स के माध्यम से उन्होंने वही स्कीम्स को लाया है जो पुराने पेंशन स्कीम में था, कि जो 25 साल का नौकरी प्राप्त करते हैं उनको आधा पेंशन मिला करता था। तो यह स्वागत योग्य है।